जिला परिषद की 16 ओबीसी सीटों में 5 अक्टूबर को चुनाव होने वाला है। उसके पहले ही विविध विभागों में विकास कार्य व खरीदी प्रशिक्षण आदि में भारी घोटाले के आरोप विपक्ष द्वारा सत्ताधारियों पर लगाए जा रहे हैं। विपक्ष घोटालों को अपना चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, तो सत्ताधारी भी उनके आरोपों को खारिज करने के लिए लगातार नियमों का हवाला देते हुए अपनी सफाई देने में लगी हुई है। चुनावी मौसम में घोटालों की गूंज जिला परिषद परिसर में सुनाई दे रही है। 3 दिन पहले ही महिला व बाल कल्याण समिति के सदस्य राधा अग्रवाल ने विभाग की ओर से 7वीं से 12वीं कक्षा की छात्राओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण में 15 लाख रुपयों का घोटाला होने के आरोप लगाया था। अग्रवाल का सवाल था कि जब कोरोना काल में स्कूल ही बंद थे तो उन्हें कंप्यूटर प्रशिक्षण कैसे व कहां दिया गया। उनके आरोपों का खंडन करने के लिए महिला व बाल कल्याण सभापति उज्ज्वला बोडारे ने प्रेस परिषद लेकर आरोपों का खंडन किया और झूठा आरोप लगाने वालों को अदालत में खींचने की चेतावनी दी। उनका कहना था कि जब विषय समिति में ये सारे विषय आते हैं और मंजूर किए जाते हैं तब विपक्षी सदस्य सोते रहते हैं क्या। इधर अग्रवाल का कहना है कि कई ऐसे विषय हैं जिसे विषय समिति की बैठक में रखा ही नहीं जाता और बाद में पता चलता है कि वह मंजूर कर लिया गया और खर्च को मंजूरी दी गई है। इसके पहले भी महिला व बाल कल्याण विभाग में आंगनवाड़ी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को च्यवनप्राश वितरित करने के मामले को लेकर भी विवाद हो चुका है। इसी विभाग द्वारा 19 लाख रुपयों का कायाकल्प दवा खरीदी का मामला भी विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है। केवल इसी विभाग का नहीं बल्कि शिक्षा विभाग द्वारा खरीदे गए पॉलीमर सेल्फ की खरीदी पर भी भारी भ्रष्टाचार का आरोप विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के 2 सदस्यों ने भी लगाया था, जिसके बाद शिक्षा समिति सभापति ने आरोपों को निराधार बताते हुए सारी खरीदी नियमानुसार होना बताया था।